मैं रावण नहीं गैंगस्टर है, तू रावण नहीं डांसर है, लेकिन तू कर रहा रावण सफर, तू शायद से एक्टर है, मैं जाने का दोस्तों क्या मैटर में, देखो मारने का मन भी नहीं कर रहा, सड़े लग गैंगस्टर है तू, देखो इसलिए मैं लेके नहीं जाता, लोग इधर भी खींची ब्रो पछाड़े तू। चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो आज को एक और नया ट्रेंडिंग सॉन्ग का ट्यूटोरियल वीडियो लेके, ठीक है। तो प्रीवियस में आपने ऑलरेडी तो वीडियो देख ही लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना, प्लीज़ एक कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और लाइक करना। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे हर रोज ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे आपको HD स्टेटस, इमेजेस और फॉन्ट्स वगैरह मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और हाँ, जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा, सभी मटेरियल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। बहुत लोग ये आके बोलते हैं, कॉमेंट करते कि भाई XML का है, अरे भाई प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन पे तुमको लिंक मिलेगा XML का। सिंपल से लिंक पे क्लिक करके XML को डाउनलोड करो, एलर्ट मशीन में इंपोर्ट करो। अगर तुम XML डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देख के तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सभी मटेरियल को डाउनलोड कर लेना है और XML को एलर्ट मशीन में इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एलर्ट मशीन को ओपन करना है, जो प्रोजेक्ट है आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, और XML को आपको सिंपल से यहाँ पे ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे XML देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हो। और आपको एंडिंग पे आपको एक इफेक्ट मिलेगा, इसको कैसे ऐड करना है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे आना, ये जो सॉन्ग है ये डिलीट हो जाएगा, टेंशन मत लेना, डिस्क्रिप्शन पे सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपके पे इमेज का लिंक दिखाई दे रहा है, इमेज का लिंक बोल रहा हूँ, इमेज का लेयर दिखाई दे रहा है, लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो उस इमेज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक करके ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आगे आना है, जहाँ पे एंड हो रहा है उस पॉइंट पे आ जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे 17.15 सेकंड पे आ जाना है। अभी आपको यहाँ पे बिटमार्क के हिसाब से इमेजेस को ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, इमेज को ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, नेक्स्ट बिटमार्क पे आना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके इमेज को भी उस पॉइंट पे लेके आ जाना है, और जो भी इमेज आप ऐड करोगे इमेज को इस तरीके से नीचे लेके आना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, इमेज को ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, नेक्स्ट बिट मार्क पे आना है, बाकी पार्ट रिमूव कर देना है, और इमेज को भी आपको इस तरीके से एंडिंग पॉइंट पे लेके आ जाना, यानी कि नीचे लेके आ जाना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर से आपको यहाँ पे इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। और ये सब इमेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इमेज को इस तरीके से आपको यहाँ पे CC के नीचे रखना है, ठीक है गाइस। थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, नेक्स्ट बिट मार्क तक लेके आ जाना है, इमेज को इस तरीके से नीचे लेके आना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, इमेज ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, और इमेज को CC के नीचे लेके आना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना आपको ये स्टेटस कैसा लगा, जो कि ट्रेंडिंग है और ये सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा, आप भी क्रिएट करो। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेजेस को ऐड कर लेना है। सॉरी गाइस, बैक हो गया। इस तरह से आपको इमेज को ऐड करके नीचे लेके आना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा एंडिंग पॉइंट पे आपको एक इफेक्ट का लेयर दिखाई देगा, सिंपल से लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, और इस इफेक्ट को डिलीट कर देना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अपने अपने जितना भी इमेज ऐड किया ना 17.15 सेकंड से, जितना भी इमेज ऐड किया सभी इमेजेस पे आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है। इमेज को सिलेक्ट करना है, नीचे से इफेक्ट इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है।
इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, जितना भी इमेज आपने ऐड किया ना, सभी इमेजेस पे आपको ये वाला इफेक्ट सिंपल से पेस्ट कर देना है। एक ही इफेक्ट है, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी इमेजेस पे इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो अब देख सकते हो हमारा स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ा सा लैग होगा, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, वीडियो को हाई रेजोल्यूशन करके एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।